हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरमान आलम है और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर सिविल इंजीनियर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी को एक पावर प्लांट बनाना है। ठीक है, तो रिलायंस कंपनी के लिए क्या होगा, एक पावर प्लांट होगा। ठीक है, लेकिन रिलायंस कंपनी इस काम को खुद से नहीं करेगी, उसके लिए क्या करेगी, एक पीएमसी हायर करेगी, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर करेगी, जिसका काम होगा मॉनिटरिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पीएमसी कंपनी पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी। तो रिलायंस कंपनी अपने से नीचे वाले लोग कंपनीज को काम दे देगी, उस कंपनीज के लिए क्या होगा, ये पावर प्लांट एक प्रोजेक्ट होगा। लेकिन रिलायंस के लिए तो एक पावर प्लांट होगा, लेकिन उस कंपनी के लिए ये एक प्रोजेक्ट होगा, और उस कंपनी के लिए रिलायंस एक क्लाइंट होगा। यानी रिलायंस जिस कंपनी को यह पावर प्लांट बनाने के लिए देगी, वो कंपनी के लिए रिलायंस एक क्लाइंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिलायंस इस काम के लिए, इस पावर प्लांट को बनाने के लिए एक पीएमसी हायर करेगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, जिसका काम होगा मॉनिटरिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करवाएगी पीएमसी। ठीक है, और जैसे जैसे काम होता जाएगा, रिलायंस कंपनी से वो बिलिंग कराती जाएगी, यानी कि पैसे लेती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पीएमसी एक आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट हायर करेगी इस पावर प्लांट को बनाने के लिए। ठीक है, इस आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट का काम होगा उस पावर प्लांट का आर्किटेक्चर लेआउट, यानी कि पावर प्लांट का पूरा मॉडल बना देना। ठीक है, पावर प्लांट का पूरा मॉडल और स्पेसिफिकेशन का डिज़ाइन बना देना, यानी उसका पावर प्लांट का प्लान बना देना, और उसमें किस साइज का पावर प्लांट होगा, कहाँ पे क्या होगा, वो सब आर्किटेक्चर लेआउट में शून्य रहेगा, यानी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में वो सब चीज़ दिखाया हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसका आर्किटेक्चरल ड्राइंग बन जाएगा, इसके बाद क्या करेगी पीएमसी कंपनी, ये पीएमसी एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को हायर करेगी। इस स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का काम होगा स्ट्रक्चरल लेआउट, यानी कि उस पावर प्लांट को बनाने के लिए किस तरह का फाउंडेशन होगा, उस फाउंडेशन में कौन से ग्रेड का स्टील पड़ेगा, कौन से ग्रेड का कंक्रीट पड़ेगा, उसके बाद जब पावर प्लांट फाउंडेशन से ऊपर आएगा तो उसमें किस तरह के कॉलम पड़ेंगे, किस तरह की बीम्स पड़ेगी, किस उसका क्या डायमेंशन होगा, उसमें कौन से ग्रेड का स्टील पड़ेगा, ये सब चीज़ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल ड्राइंग बन जाएगा। ठीक है, जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा तो तब उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग वर्क को करवाने के लिए पीएमसी कंपनी एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगी, जिसका काम होगा कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि पहले तो पेपर वर्क हो रहा था, अब उस पेपर वर्क के अकॉर्डिंग एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे वर्क सिविल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कराया जाएगा, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा कंप्लीट करेगा, यानी पूरे बिल्डिंग को, जो भी पावर प्लांट है, बिल्डिंग है, उसको पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू ड्राइंग कंप्लीट किया जाएगा। जब आपका बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उस बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए उसमें कुछ बिल्डिंग सर्विसेज की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि MEP, यानी कि M फॉर मैकेनिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल, P फॉर प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिकल से मतलब HVAC एक हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। किसी भी बिल्डिंग में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए HVAC सिस्टम लगाया जाता है। HVAC डिजाइनिंग आप हमारे इंस्टीट्यूट कंफर्ट डिजाइन से सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो M से हो गया मैकेनिकल, जिसमें HVAC वगैरह आ गया, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग में सप्लाई होती है, उसके लिए भी उसमें वर्क कराना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। और फिर प्लम्बिंग, पी फॉर प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग, मतलब प्लम्बिंग वर्क, यानी वाटर सिस्टम को बिल्डिंग में जो भी डालते हैं उसको हम प्लम्बिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि शावर वगैरह, तो प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग, यानी बिल्डिंग में अगर आग लग जाता है तो उसको फायर फाइटिंग के लिए कुछ डिज़ाइनिंग होती है, उसको उस बिल्डिंग में इंस्टॉल करा जाता है, तो इस सब काम को MEP कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ बता दिए कि एक प्रोजेक्ट किस तरह से कोई कंपनी निकालती है और किस तरह से लोग उसमें काम करते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात, कि इसमें कहाँ पे हम सिविल इंजीनियर्स की कहाँ कहाँ खपत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ इंजीनियर्स की खपत यहाँ इस रिलायंस कंपनी में होगी। रिलायंस कंपनी इस काम को अपने PMC कंपनी के थ्रू करवाएगी, इसके लिए ये क्या करेगी, कुछ इंजीनियर्स हायर करेगी, जो कि पीएमसी कंपनी जो काम करवाएगी उस पर निगरानी रखेगी, जिसको कहेंगे क्लाइंट का इंजीनियर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये पीएमसी कंपनी क्या करवाएगी, ये ड्राइंग बनवाएगी, आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनवाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएगी। तो फिर इसको एक्चुअल में काम करवाना है।
ठीक है, तो ये भी कुछ इंजीनियर्स हायर करेगी, और एटलीस्ट लास्ट में सिविल कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो फिर ये भी कुछ इंजीनियर्स को हायर करेगी, यानी कि सबसे कम इंजीनियर की ज़रूरत होगी रिलायंस को, उसके बाद पीएमसी को, और सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा सिविल का भी स्कोप है, किस तरह से सिविल इंजीनियर का स्कोप है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये चीज़ आप भी सीख गए होंगे यहाँ पर। तो इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम सिविल इंजीनियर का कहाँ कहाँ पे यूज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो जो कि कोई दूसरे यूट्यूबर्स नहीं डाल रहे हैं, ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा और उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।